पाकिस्तान की 89 जेलों में तकरीबन 1700 खवातीन कैद हैं, जिनकी तादाद जेलों की गुंजाइश से 2 या 3 गुना ज्यादा है। इनमें अक्सरियत उनकी है जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं या जो फैसलों का इंतजार कर रही हैं। कराची सेंट्रल जेल की 200 खवातीन कैदियों में 22 साल समीना भी शामिल है। 6 जून 2001 को उसने अपने वालदेन की इजाज़त के बगैर इमरान से शादी की। 1.5 माह बाद दोनों को समीना के वालिद की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया कि समीना का पहले कहीं और निकाह हुआ था। अब्बू ने केस ऐसा बनवा दिया है, पहले जमानत 2.5 महीने जेल में रही थी, फिर जमानत हो गई, फिर बाहर चली गई, मैं 6 महीने बाहर रही, फिर 6 महीने के बाद इन लोगों ने निकाहनामा बनवाया झूठा। निकाहनामा बनवाने के बाद फिर पेश किया अदालत में, फिर अदालत ने मेरी जमानत के बेल ऑर्डर कैंसिल कर दी, फिर दोबारा जेल भेज दिया। अब 2 साल हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। जेलों में कैद बाज औरतें ऐसी भी हैं जिन्हें खानदानी दुश्मनी की बिना पर झूठे मुकदमात में फंसाया गया। हद ये है कि कुछ को ये भी नहीं मालूम कि उनका जुर्म क्या है। इंतकामी जज्बा, जिसे कहना चाहिए कि कभी बेटी बाप ने बेटी के खिलाफ कर दिया या किसी वालदा ने अपनी बेटी के खिलाफ कर दिया या शोहर ने, बरी होने का रेशो तो आप यूं समझ लें कि 90% से ज़्यादा है। जब ज़्यादातर खवातीन मुलजमान बेकसूर पाई जाती हैं तो ये बरसों जेलों में क्यों पड़ी रहती हैं? वो वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दूसरे केसों में जाना होता है तो इन केसों में तारीख पड़ जाती है। कैदी को जेल से लेकर भेजा हमने, वहाँ कोर्ट में तारीख नहीं पड़ी और बगैर केस चलाया उसको वापस ले आए। दूसरी बात जो है, अक्सर औकात कोर्टें खाली पड़ी हुई, जजेस नहीं हैं। नंबर 3 बात जो है, पुलिस गवाहों को पेश नहीं करती है। मुलजिम मौजूद, जज मौजूद, वकला मौजूद, गवाह मौजूद नहीं है। मोस्टली जो वजह है रश ऑफ वर्क है, कोर्टों के पास एक दिन में 50-60 केसेस लिस्ट में होती हैं, जिनमें से बमुश्किल 5-6 केसेस ही चलते हैं। जेल पुलिस का कहना है कि सबसे बड़ा मसला कैदियों को कोर्ट पहुंचाने का है। सिटी कोर्ट का जो लॉकअप है, उसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 वैन आती है और वो क्या करते हैं कि डबल चक्कर लगाते हैं जब जाके कैदी पूरे होते हैं। यहाँ से वो 40 की गुंजाइश होती है, 40 की बजाय हम उसमें 45 बिठा देते हैं, जिस पर अक्सर एतराज़ भी होता है कि ज़्यादा आदमी बिठा दिए, लेकिन हमारी मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ से हम कैदी नहीं भेजे तो वो यहाँ पर अपने आप को ज़ख्मी करते हैं। कोर्ट पुलिस की सख्त किल्लत है। कोर्ट पुलिस की ड्यूटियाँ लगती हैं कि फलाने हेड ऑफ़ द स्टेट आ रहे हैं तो फलां साहब आ रहे हैं, तो फलां साहब आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ लग गई और इसकी वजह से उनका लोगों को ले के जाना, पेश करना अदालतों में, वो उस पर ताखिर हो जाती है। लेकिन इन कैदियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको जमानत नहीं मिलती, अगर मिल जाए तो इसकी रकम अदा नहीं कर पाते। अगर ये 10-15 हज़ार तक आ जाएगा अमाउंट, तो हम कोशिश करके वो अमाउंट का किसी तरह करके किसी से कहेंगे, वो श्योरिटी दे देगा, कैश जमा करा देंगे। अभी फ़िलहाल हमने लिए हैं पुराने केसेस और जिसमें एक लगी, ये 16 की लिस्ट निकलवाई थी, 16 औरतें हैं जिनको बेल हो चुकी है लेकिन उनको रिलीज़ इसलिए नहीं किया गया कि दे कम फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जब वो एक औरत 5 रुपये नहीं दे सकती तो 1 लाख या 50 हज़ार या 25 हज़ार की श्योरिटी कहाँ से लाएगी? आज़ादी हर इंसान का बेसिक हक है और बेगुनाह औरतों को सजा मिल रही है और मजलूम और गरीब औरतों को सजा मिल रही है। जेल में जाओ तो ऐसा लगता है कि सारे गुनाह जो है सिर्फ गरीब ही कर रहे हैं और अमीर जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करे। कई कैदी औरतों के बच्चे भी उनके साथ हैं। रूस के मुताबिक 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे माओ के साथ जेल में नहीं रह सकते, लेकिन इनके पास जाने की अक्सर कोई और जगह नहीं होती। इसके बरक्स जेल में खवातीन और उनके बच्चों की बुनियादी जरूरियात पूरी हो रही हैं। जेल के हालात तो अच्छे हैं, वहाँ पे ये है कि हर चीज़ की सहूलत है, लेकिन फिर भी कैद कैद होती है, अपना घर अपना होता है, भले झोपड़ी भी हो जैसा भी हो अपना घर अपना होता है। इन खवातीन के मसाइल देखते हुए अमरीका में कुछ डॉक्टर्स इनकी मदद कर रहे हैं। इनकी तंजीम अपना ऑल पाकिस्तान फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका की खसूसी कमेटी ने पिछले साल इन कैदी खवातीन की कानूनी इमदाद के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए जमा किए। कमेटी के चंद मेंबरान ने खवातीन जेलों का दौरा भी किया। हमने डॉक्टर जस्टिस नासिर असलम जाहिद को कांटेक्ट किया
क्योंकि हमने वो कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी जो उन्होंने लिखी थी। हाल ही में कैदी खवातीन के हवाले से एक गैर सरकारी तंजीम ने भी रिपोर्ट शाया की है, जिसकी मुसन्निफ नाजिश ब्रोही के मुताबिक कैदी खवातीन एक बड़े पैमाने पर होने वाली नाइंसाफी की अक्कास हैं, जिसका सामना हर लड़की को पैदाइश ही से करना पड़ता है। ये वो खवातीन हैं जिनके पास माशरे में बहुत सारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जिन पे पड़ा है, सियासी तरह से ख़ानदान के लेवल पर या ओवरऑल हमारे जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम एक पिदरशाही का माहौल कहते हैं, पेट्रियार्की की बात करते हैं, ये सारी फोर्सेस उनके ऊपर किस तरह से लागू होती हैं और एज अ रिज़ल्ट वो जेल्स या इन कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस में किस तरह पहुँचती हैं। ज़्यादातर कैदी ख़वातीन किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं हैं जिनसे किसी और को नुकसान पहुँचा हो, लेकिन ये ज़रूर समझा जाता है कि इनकी वजह से मुआशरे को किसी तरह नुकसान पहुंच रहा है। कि बहुत कम ऐसे केसेस हैं कि किसी का मर्डर कोई औरत ने किया हो या कोई बंदूक उठा के पिस्तौल उठा के कोई बड़े स्केल पे रॉबरी की हो, तो ये जो जराइम है इनसे एक अंदाज़ा होता है कि हमारे समाज में किस तरह से लगता है कि कौन सी औरतों को बंद करना चाहिए, वो जो हमारे एक बिछाए हुए निज़ाम के बाहर कदम रख रही हैं। गैर सरकारी कोशिशों में हुकूमत का तावुन भी नज़र आने लगा है। अक्टूबर 2003 में सिंध गवर्नर ने कैदी खवातीन की इमदाद के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक लीगल असिस्टेंस सेल कायम करने का ऐलान किया। इसकी नोटिफिकेशन जनवरी 2004 में हुई। सबसे पहले उनकी जमानतों का बंदोबस्त करना, वो खवातीन जो जेल में सिर्फ जमानतें न फराहम होने की वजह से जेल में मौजूद हैं और वो बाहर निकल सकती हैं, उनकी जमानतें नंबर एक। नंबर दो, उनको अपने मुल्कों, जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं उनको अपने मुल्कों में जाने के लिए सफ़र के तमाम इंतजामात करना। सिंध हुकूमत ने लीगल एड सेल को जेल के अहाते में दफ्तर कायम करने की इजाज़त दी। इसके क़याम के सिलसिले में मुख़य्यर शहरी इमदाद दे रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने भी इसके लिए 12 लाख रुपए दिए हैं। जस्टिस नासिर असलम जाहिद के मुताबिक पाकिस्तान में किया जाने वाला पहला ऐसा तजुर्बा कामयाब रहा तो उसे दूसरे जेलों में भी शुरू किया जा सकेगा, जहां मर्दाना वार्ड्स में गुंजाइश से 4 या 5 गुना ज्यादा कैदी भरे हुए हैं। ख्वातीन कैदियों के लिए मजीद बैरिक्स तामीर हो रहे हैं जिनकी गुंजाइश 30 या 35 होगी, लेकिन जस्टिस नासिर जाहिद का कहना है कि और बैरिक्स के बजाय इंसाफ की जल्द फराहमी होनी चाहिए ताकि कम से कम लोग जेलों में आए। कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉपुलेशन आप कम कर दें, 300 से आप इसे 150 पे 100 पे ले आएँ, फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 बैरिक्स और बना दी तो ऑटोमेटिकली जब अवेलेबिलिटी होगी तो हो सकता है पॉपुलेशन भी बढ़ जाए। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इनमें ज़्यादातर ख़वातीन को जेलों में होना ही नहीं चाहिए। बाहर जैसे बहुत से हमारे ममालिक में हमें केसेस नज़र आते हैं कि एक रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि इन ख़वातीन को उनके आप मदद करें कि वो माशरे में इस तरह जज्ब हों कि उन्हें शायद इस तरह के जेल या इस तरह से बंद करने की ज़रूरत हो ना। जेलों में कैद इन ख़वातीन की सूरत हाल तकाजा कर रही है कि इस पर संजीदगी से गौर करके ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए ताकि बेकसूर कैदी अपने घरों को जा सकें। इसके साथ साथ इंसाफ की जल्द अज जल्द फराहमी को भी यकीनी बनाना होगा। बीना सरवर, जियो कराची। मुजरिम या एक गैर मुनसिफाना निज़ाम के मुतासरी।